जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल 7 स्टार 4G। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं मैं अभी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और आज 31 मई को इस पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन क्या है और इसकी किस बारे में है, इस पर आज हम बात करते हैं। इस नोटिस के अंदर यहाँ पर SSC GDE भर्ती 2022 के रिकॉर्डिंग ये नोटिस है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इस चैनल पर भर्ती से SSC GDE भर्ती से रिलेटेड नए नए न्यूज़ लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हम इस वीडियो में, देखते हैं। तो भी आप देख सकते हैं कि SSC ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ 31 मई को जो नोटिफिकेशन आया है तथा हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं इसमें क्या है। तो ये नोटिफिकेशन जो है इसमें दिख रहा है कि ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 2022 रिक्रूट SSB CTGD 2022 नोडल फोर्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस नोटिस में जो है उसको मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, यह 25 मई 2023 के दिन एक जो नोटिस जारी हुआ था उसका रिप्लाई आया है। इसमें बताया गया है कि जो नाडिया सेंटर थे उनका फिजिकल दोबारा होना है तथा जिन कैंडिडेट का फिजिकल दोबारा होना है उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है तथा ये लिंक भी डाला गया है। लेकिन ये लिंक दोस्तों अभी PDF के रूप में है, तो आप इस लिंक पे प्रेस करेंगे तो एक्टिव नहीं होगा। यह फिजिकल 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कराया जाएगा तथा जिनके पास यह एडमिट कार्ड होगा वही लोग फिजिकल में हिस्सा ले पाएंगे, जो लोग एडमिट कार्ड नहीं है वो लोग फिजिकल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो अभी दोस्तों आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तथा अपनी फिजिकल की तैयारी करें। जिन भी दोस्तों का दोबारा फिजिकल होना है उन सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बधाइयाँ हो। आप सभी लोग फिजिकल अच्छे से करो, पास हो और एक भारतीय सेना का हिस्सा बनो। जय भारत, जय हिंद।